यीशु के नाम की महिमा हो। रोमियो 16 अध्याय 1 से लेकर 27 तक वचन सुनेंगे और मनन करेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 16 अध्याय। मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलिसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। प्रिस्का और अक्विला को, जो यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलिसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं, और उस कलिसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रुनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीह में हुए थे, नमस्कार। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को, नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को, नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को, नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिया पिर्सिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता जो मेरी भी है, दोनों को नमस्कार। असुक्रितुस और फिलगोन और हिमस और पत्रुबास और हिमांस और उनके साथ के भाइयों को, नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और ओलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को, नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलिसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तिमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और लूकियुस और यासोन और सोसी पत्रुस मेरे कुटुंबियों का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस का, जो मेरी और कलिसिया का पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस, जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वार्तुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं, उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे, आमीन। इस 16 अध्याय में पौलुस उनके साथ जो जो लोग सेवकाई किए हैं कलिसिया में, जैसे वो लोग मदद किए हैं करके, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनका नाम इसमें सब का नाम लिखे हुए, एक लिस्ट बनाते हुए सबको वो नमस्कार करते हुए हम देख
देखते हैं। उस सबकी परिवार को वो ब्लेसिंग ब्लेस करते हुए वो आ रहे हैं। उसके बाद पहले ये सब करने के बाद 17 वचन में उनको कुछ बातों को वो सिखा रहे हैं। फिर बोलते हैं मैं तुम लोग से विनती करता हूँ। ऐसे ही जो लोग है उस शिक्षा के विपरीत जो आप लोग सीखे हैं उस शिक्षा के विपरीत उनके अपोजिट में तुमके पास आके तुमको ऐसे ही वो लोग बात कर रहे हैं फूट डालने और टोकर खाने का कारण होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, उन लोग को थाड़ लिया करो। ऐसे करके वो उनको बता रहे हैं, उनको बुद्धि दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं क्यों उन लोग से दूर रहना, क्योंकि ऐसे लोग हमारा प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, अपनी पेट की सेवा करने के लिए चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, अपने स्वार्थीपन के लिए, अपने जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए लोगों के पास ऐसे ऐसे बात करेंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे उन लोगों से कुछ लेने के लिए। ऐसे बोले लोग क्या होते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही लोगों के मन को वो लोग क्या करते हैं, अपने जाल में ढाल देते हैं। सीधे साधे मन वालों को वो लोग बहका देते हैं। इसलिए आप उन लोग से दूर रहना करके इधर पौलुस उन लोग को सिखा रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं आपके बारे में हम सुने हैं आप आज्ञा मानने वाले हैं, तो मैं भी उस बात में खुश होता हूँ करके वो भी उधर बता रहे हैं। मतलब इस बातों को आप लोग मानना, आज्ञा मानना, ऐसे लोगों से दूर रहना करके कुछ बातों को इधर पौलुस उनको सिखाते हुए उसके बाद कहते हैं हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो शांति का मार्ग यही है। आप लोग उनके जाल में जाके फंस जाओगे, आपका शांति बिगड़ जाएगा। इसलिए आप उनके पीए उनके बातों को नहीं मानना, उन लोग से दूर रहना, उसको थाट लिया करना। आप शांति का परमेश्वर की बातों को मानते हुए उसके अधीन आप रहोगे तो शैतान को हमारा शांति का परमेश्वर तुम्हारे पावों तले जल्दी कुचलवा देगा करके वो उनको सिखाते हुए हम देख सकते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर का हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत बड़ा है, वो आपके साथ होते रहे। जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं, उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, उनका जो उनके विरोध में ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रहते हैं, तब उनका कृपा और अनुग्रह हमारे ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रकट होते रहता है। और 21 से लेकर 24 तक हम देखते हैं जितने लोग उनके साथ पौलुस के साथ वहां है वो लोग भी उन लोगों को आशीष करते करके उनका नाम भी इसमें लिखा है। फिर लास्ट में हम देखते हैं 25 से लेकर 27 तक परमेश्वर की स्तुति करते हुए पौलुस इस बातों को इस पत्री को खत्म करते हुए हम देख सकते हैं। इसमें परमेश्वर की बातों को इसमें लिखा है क्योंकि सुसमाचार के बारे में इसमें लिखा है। सुसमाचार यीशु मसीह के संदेश का प्रचार के अनुसार वो सिर कर सकता है। यीशु मसीह सुसमाचार के संदेश के प्रचार के द्वारा हमको वो स्थिर करने वाला परमेश्वर है। उस सुसमाचार हमको स्थिर करता है, मतलब हम हिलेंगे नहीं, हम एकदम स्थिर रहेंगे। क्या उपदेश है, क्या परमेश्वर कहते हैं करके वो वचन के ऊपर हम स्थिर रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। हमारा स्थिर करने वाला यीशु मसीह है। वो अभी क्या वो है, अभी हमारा सनातन परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तक से अभी पूरा सब जातियों को बताने के लिए प्रहट हुआ है। क्या है, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, सुसमाचार के ऊपर जो विश्वास करते हैं, वो आज्ञा मानने वाले हो जाते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है करके वो लिखे हुए युगानुयुग को ही महिमा
होते रहे, क्योंकि उसका राज्य युगानी युग रहने वाला राज्य है। वो शांति का परमेश्वर है, वो हमको स्थिर करने वाला परमेश्वर है, वो एकमात्र परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। अगर हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, हम उनसे मांगेंगे, आपको वो संपूर्णता से हमको बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। पौलुस कहता है भलाई के लिए आप बुद्धिमान बनो, बुराई के लिए भोले बनो। अगर भलाई करना तो भी किसको भलाई करना, कब करना, कौन से समय में करना, कौन सा भलाई करना, ये सब हम बुद्धिमान बनना तो हम बुद्धिमान परमेश्वर के पास हमको मांगना चाहिए। तो हम मांगेंगे वो सही समय पर किसको क्या काम मदद करना, भलाई काम करना करके वो हमें सिखाते हैं, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। लेकिन इंसान क्या करता है, अपना नाम कमाने के लिए जाके भलाई करताओं करके हम करेंगे, हम जाल में फंस जाएंगे, उसमें हमको भी हमको ही तकलीफ होती है, ये क्या है करके फिर हम ही ठोकर खाके गिर जाते हैं। इसलिए भलाई के लिए भी हम बुद्धिमान बनना तो हम परमेश्वर के पास हमको मांगना चाहिए। अगर और बुराई के लिए हम बोले बनना, बुराई बातों का हम ज्यादा ध्यान नहीं देना, फिर हम देख सकते हैं इसमें कितना लिस्ट दिया गया है, भाई लोग, बहन लोग, सब लोग परमेश्वर के लिए सेवकाई किए हैं। तो हम भी सुसमाचार सिर्फ केवल सुना है ऐसा ही ना रहे, हम सुनने वाला ना रहे, हम दूसरे को भी वो बातों को बोलने वाला बन जाए। हम भी हमारा जीवन में दूसरे लोगों को सुसमाचार बताने वाला बन जाएंगे, क्योंकि आकिला, प्रिस्किला, पौलुस, हम सबको देख सकते हैं इसमें, सब लोग हम ज्यादा से ज्यादा सब लोग अपने काम करते हुए ही परमेश्वर की सेवकाई किए हैं। आकिला प्रिस्किला को हम देख सकते हैं, प्रेरितों के काम 18 अध्याय में लिखा है, वो लोग तंबू बनाने वाला काम करते थे, तो पौलुस भी करता था, इसलिए ये लोग भी अपना काम करते हुए वो लोग परमेश्वर के सेवकाई किए हैं। वैसे हम भी हमारा जीवन में जो जो काम अभी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम अपना परमेश्वर के सुसमाचार को भी हम दूसरे वालों को बोलने वाला बन जाएं, फिर और ऐसे ही जो शैतान की ओर से ठोकर खाने के लिए कुछ लोग आके हमसे बोलेंगे, उस बातों में हमको मन नहीं लगाना, उन लोग से हमको दूर लगाना, दूर रहना, उनके जाल से हम लोग नहीं फंसना चाहिए, ताकि परमेश्वर के अधीन हम रहेंगे, हम शैतान को सामना करेंगे, वो हमको हमसे वो भाग जाएगा। तो शांति का परमेश्वर हमारा जीवन में जो जो शैतान हमको बंद उनका काम कर रहा है उसको सब कुछ हमारा पावन तले वो कुचलवा, जल्दी कुचलवा देगा। कब है, हम परमेश्वर के आधीन रहेंगे, परमेश्वर की वचन, सेवक लोग, जो सेवक लोग इधर देखिए पौलुस उनको सिखा रहे हैं, वैसे हमारा जो सेवक है, हमारा कलीसिया के अंदर सेवक लोग जो हमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं वचन से, हम उसका बात मानते हुए उनका आधीन हम रहेंगे, हम परमेश्वर के आधीन रहेंगे, परमेश्वर के वचन के आधीन रहेंगे, जो सेवक लोग हमको सिखा रहे हैं उस बातों को हम मानेंगे, हम शैतान के जालों में हम नहीं फंसेंगे। ऐसे हम रहते हैं, हम बात मानने वाला हम बनेंगे, तो शांति का परमेश्वर हमारा जीवन में, हमारा परिवार में जो भी शैतान हमारा विरोध में कार्य करता है, हम हमारा शांति का परमेश्वर यीशु मसीह शैतान को हमारे पावों तले जल्दी कुचलवा देगा करके हमको इस सत्य को हमको जानना चाहिए। हम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए, काम साथ साथ काम करते हुए एक एक लोगों को एक एक बुलाहट होती है। इस लिस्ट में भी हम देख सकते हैं अलग अलग सेवकाई उन लोगों के जीवन में दिया है, एक एक लोगों के लिए अलग अलग बुलाहट है, सब लोग अपना अपना काम किए हैं। हम भी हमारे जीवन में हमको भी परमेश्वर अलग अलग बुलाहट दिया है, अपना बुलावट के अनुसार हम सुसमाचार की सेवकाई हम करते रहेंगे, हम
कलिशिया में सेवक के आदीन हम रहेंगे, हम वचन के आदीन रहेंगे, परमेश्वर के आदीन हम रहेंगे, तो ऐसे ही बातों से हम बच जाएंगे। जो जाल डालता है वो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, ऐसे ही को हम जान सकने वाले ज्ञानवान हम बन जाएंगे, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर की वो परमेश्वर ही हम देते हैं, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर वो ही बुद्धिमान परमेश्वर है, हमको वो ही ज्ञान देता है सब कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए उसको, ये कौन है, ये कैसा ही है, क्या करना है, कब हम भलाई करना, किस बातों में हम बोले रहना, ये सब कुछ हमको सिखाने वाला वही है। उनके हाथों में हम समर्पण करेंगे, जैसे सिर यीशु मसीह है, हमारा कलिशिया के सिर यीशु मसीह है, हम उनके शरीर के हर एक अंग है, जैसे हमारा शरीर में हर एक अंग एक एक काम करता है, वैसे ही हम भी अलग अलग काम हमारे लिए दिया गया है, हम सब लोग मिलकर एक साथ होकर एक मन होकर हम परमेश्वर की सेवकाई करते रहेंगे, उनके बात मानने वाला बन जाएंगे, तो एकता हम रहेंगे, एक मन होकर उनका समाचार की काम करेंगे, इसमें इस भाई है बहन है ऐसे कुछ नहीं है, हम सब लोग परमेश्वर की सुसमाचार को सब प्रकार की जातियों को हमको बोलने वाला हम लोग बनेंगे, उन लोग भी विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की राज्य युगानि युग हमेशा होते रहेगा। हम अपना काम हम करने वाले हम बन जाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ है, वो शांति का परमेश्वर है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है, हमको वो स्थिर करने वाला परमेश्वर है, उसके हाथों में हम अपने आप को समर्पण करेंगे, जरूर वो हमको स्थिर करेगा, वो अपना पंखों के तले हमको छुपाए रखेगा, ऐसे जालों से हमको वो बचाएगा। शांति का परमेश्वर शैतान को हमारे पावों तले जल्दी कुचलवा देगा, उनके हाथों में हम समर्पण करेंगे, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर प्रकट होते रहेगा, तब अनुग्रह प्रकट होती है, जीवन के मार्ग में हम चलते रहेंगे, उसका अनुग्रह हमको हर एक समय में हमको मदद करते रहेगा, हमको वो अनुग्रह हमको उठा लेगा, उसके हाथों में हम समर्पण करेंगे। इस वचन से परमेश्वर हमको आशीष किया है। भजन संगीता 90:11-17 तक वचन सुनेंगे और मनन करेंगे। भजन संहिता 90। भजन संहिता 90। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा कब तक और अपने दासों पर तरस खा, और भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। ये वचन मूसा परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हुए लिखा है। इसमें वो प्रार्थना में मांग रहा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए, और प्रार्थना करता है सुबह को हमें अपनी करुणा से आप तृप्त कीजिए। फिर कहता है जितना दिन हम दुख आप देते आया और कितना वर्ष हमको क्लेश दिया, उतना ही वर्ष हमको आनंद से भर दीजिए। फिर कहता है आपका मनोग्रता हमारे ऊपर प्रकट कीजिए, और कहता है हमारा हाथों की कामों को दृढ़ कीजिए करके, ऐसे ही वो प्रार्थना करते आ रहा है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसमें मूसा प्रार्थना करता है ऐसे ही दिन को गिनने की समझ बुद्धि दीजिए करके। देखिए, हर एक दिन हमको परमेश्वर की ओर आता है, हर एक समय उनके वजह से ही हम खड़ा रहते हैं, उनका कृपा हमको सुबह सुबह हमारा जीवन में मिलते रहता है, तो हम जीवन भर उसको जय जयकार आनंद
करते रहेंगे। हमको दुख और क्लेश से बाहर लेके आने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ही है और कोई हमको बाहर लेके नहीं आ सकता है। हमको बुद्धिमान बनाने वाला भी वही है। अपना कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर प्रहट होता है तभी हम जीवन भर जय जयकार आनंद हमको आनंद मिलते रहता है। जीवन भर आनंद हमको देने वाला परमेश्वर है जो जितना दुख क्लेश हम उठाते हैं उसको भी आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है और उस हमारा हाथों की कामों को भी वो दृढ़ करने वाला परमेश्वर वही है हमारा यीशु मसीह है। उसका मनोग्रता हम पर प्रकट होते रहेगा। हम उनके द्वारा हम हर एक समय पर हर एक जगह पे हम जय पाते रहेंगे। उनका प्रेम इतना बड़ा है वो हमारा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वही इसमें लिखा है मूसा प्रार्थना करता है प्रभु हमको ताकि हम बुद्धिमान होना तो आप हमको समझे दीजिए और हमको तृप्त कीजिए आपका कृपा से आपका करुणा से और हमको आनंद से भर दीजिए हमारे हाथों की कामों का आशीष कीजिए करके इधर प्रार्थना करता है। हम भी प्रार्थना करेंगे हमारा जीवन में भी हमको हर समय बुद्धिमान बनने वाला हमारा परमेश्वर है। हम उनके ज्ञान के द्वारा ही हम ज्ञान पा के हम बुद्धिमान बनते हैं। उनका कृपा अनुग्रह हमको उठाता है हमको चलाता है हर एक दिन उनका कृपा के द्वारा उसका करुणा के द्वारा ही हम खड़ा रहते हैं हम आनंद पाते हैं। हमारा जीवन में हम कितना दुख क्लेश उठाते हैं उसको पूरा उतना उसके समान हमको आनंद देने वाला वही है। इस दुनिया में और कोई नहीं है एकमात्र परमेश्वर हमारा बुद्धिमान परमेश्वर शांति का परमेश्वर शांति का दाता हमको स्थिर करने वाला वही है। वो हमारा कामों को भी आशीष करते हैं। इसमें लास्ट में लिखा है तू हमारे हाथों का काम हमारा लिए दृढ़ कर करके हमको हमारा काम को आशीष करने वाला हमारा हाथों को दृढ़ करने वाला हमको अपने जीवन में हमारा जीवन की जो भी जरूरतों को पूरा करने वाला वही है। उसके हाथों में हम समर्पण करेंगे वो हमको हर एक समय बुद्धि देता है हमको तृप्त करने वाला परमेश्वर हमको खुशी देने वाला परमेश्वर सालों साल हमको आनंद से जीवन भर हमको आनंद देने वाला वही है। हमारा कामों का आशीष करने वाला भी वही है। उसका मनोग्रता हमारे ऊपर प्रहट हुआ है सुसमाचार के द्वारा हम देख सकते हैं उनका प्रेम हमारे ऊपर प्रहट हुआ है। उसके द्वारा हम हर एक जगह पे जय पाएंगे उसके हाथों में हम समर्पण करेंगे। वो हमको चलाता है हमको सिखाता है हमको बुद्धिमान बनाता है हमको आशीष देता है हमको आनंद देता है हमारा काम को आशीष करता है हमारा हाथों को दृढ़ करता है। उनका करुणा हाँ सुबह सुबह हम पर प्रहट होते रहे हम जीवन पर हम आनंद से रहेंगे। उसके हाथों में हम समर्पण करेंगे वो हमें चलाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। आज आप हमसे बात किया प्रभु आपका वचन को आदिन मानने वाला हम बन जाएंगे। आपका प्रभु कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर प्रभु प्रहट होते रहे ताकि हम आनंद से जीवन भर आपका जय जयकार करते हुए हम रहेंगे। प्रभु हमारा हाथों की कामों का आशीष कीजिए ताकि उसके साथ साथ प्रभु आपका सेवका हमको करना है आपका समाचार हमको बताना है। प्रभु मनुष्य के जाल में जाके हम फंसना नहीं चाहिए ऐसे ही प्रभु हालेलुया हमको बुद्धि दीजिए हमको बुद्धिमान बनाइए हमको भलाई करने के लिए हम बुद्धिमान हो जाए। प्रभु आप प्रभु दिन को गिनने की समझ बुद्धि हमको दीजिए परमेश्वर पिता आपके ओर हम मांगते हैं। हमारा प्रार्थना सुनने वाला आप प्रभु सुनकर जवाब देने वाला आप ही है प्रभु आपका हाथों में हम समर्पण करते हैं यीशु के नाम से मांगते पिता आमीन।